चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं तो हम पढ़ रहे थे फेजर डायग्राम कि ऐसे टाइम के क्वेश्चन को फेजर डायग्राम की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं ठीक है तो वो हमने सीख लिया था फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और क्वेश्चन कर रहे थे इसके है ना चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। करो ये रहा। वाला सो एट टी बराबर जीरो द इनिशियल मोशन ऑफ टू पार्टिकल्स इज गिवन इन द डायग्राम फाइन टाइम आफ्टर विच दे कितने समय के बाद वो मिलेंगे पहली बार मिलेंगे हाँ जी तो एक तो एक से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे इधर जा रहा है और दूसरा पॉजिटिव एक्सट्रीम पर रखा हुआ है दोनों का टाइम पीरियड सेम है एम्पलीट्यूड सेम है और सेम लाइन पर ही वो ऐसे टाइम कर रहे हैं कुछ पिछला सवाल भी हमने ऐसा ही किया था कब वो पहली बार मिलेंगे ये आपके लिए जो रिवाइज करके आया है करिए और आंसर बताइए चलिए तो सबसे पहले हम इनको ड्रॉ करेंगे फेजर पर कि पहला पार्टिकल कहाँ है और दूसरा पार्टिकल कहाँ है तो पहला पार्टिकल ऑरिजिन पे है सॉरी इक्लियम पे है इक्लियम पर दो पोजीशन हो सकती हैं फेजर में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लेकिन ये पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है इसका मतलब फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे है एंड सेकेंड पार्टिकल कहाँ है वो एक्सट्रीम पर है अब एक्स एक्स्ट्री, पॉजिटिव एक्सट्रीम तो एक ही है दो पॉइंट तो है नहीं कि यहाँ पे हमको डिसाइड करना पड़े कुछ तो ये दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है तो इनिशियली यानी कि अभी इस मोमेंट पर दोनों के बीच में जो एंगल है वो है पाई बाई टू दोनों के बीच में एंगल ये एंगल कितना है पाई बाई टू एंगल है तो जैसा कि हमने कल भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था तो वहां पे हमने देखा था कि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है दोनों पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी सेम मोशन कर रहे हैं बिकॉज दोनों का टाइम पीरियड सेम है और टी को टू पाई ओमेगा, यानी कि ओमेगा भी सेम है इसका मतलब दोनों के बीच में नाइनटी डिग्री हमेशा मेंटेन रहेगा इसका मतलब ये तो हो गई इनिशियल सिचुएशन एंड फाइनल सिचुएशन जब ये दोनों मिलेंगे उस वक्त क्या हो रही होगी उस वक्त की सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि ये चलते हुए आगे जा रहा है और ये चलते हुए यहाँ जा रहा है जब ये यहाँ कहीं पहुंचेगा और ये यहाँ कहीं पहुंचेगा तो ये दोनों सेम एक्स पर आ जाएंगे मतलब ये आगे जा रहा है और ये ऑब्वियस पीछे आएगा क्योंकि एक्सट्रीम पर है तो वापस ही आएगा तो यहाँ कहीं ये मिलेंगे तो एक तो पॉजिटिव एक एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है और एक वापिस आ रहा है तो मतलब ये यहाँ कहीं मिलेंगे Suppose, कि ये यहाँ कहीं मिल जाएंगे दोनों तो पार्टिकल और अब भी दोनों के बीच में एंगल नाइन्टी तो डिग्री, तो डिग्री ही है तो हमें बस ये देखना है कि फर्स्ट पार्टिकल इनिशियल से इनिशियली फर्स्ट पार्टिकल कहाँ था इनिशियली फर्स्ट पार्टिकल यहाँ था इनिशियल से लेके मतलब टी बराबर जीरो पर पार्टिकल यहाँ था टी बराबर टी पर वो यहाँ पे पहुंच गया है तो कितना एंगल इसने ट्रेवल किया तो कितना एंगल ट्रेवल किया हम बता सकते हैं कि देखो ये एक्स सेम है ये है ना इस तरीके से मान लो लगभग मतलब ये यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं ये एक्स सेम है ये ए भी सेम है तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल सेम होगा दोनों का आधा ये भी हो जाएगा फोर्टी फाइव डिग्री क्यों क्योंकि ये वाला एंगल भी फोर्टी फाइव होगा टोटल नाइनटी है ओके तो मतलब कुल मिला के हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी कितना हो गया फोर्टी फाइव डिग्री फोर की जगह टू पाई बाई टी टू टी कितना आया यहाँ से टी बराबर टी बाई एट. तो आंसर आया तो मतलब पहली बार ये कब मिलेंगे टी बाय समय के बाद तो दो पार्टिकल सेम लाइन पर एस एच एम कर रहे हैं दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है टाइम पीरियड सेम है दोनों की सिचुएशन दे रखी है टी बराबर जीरो पर ये इस तरीके से और इस तरीके तरीके से से और तो बताओ कितने समय के बाद ये पहली बार मिलेंगे चलिए कर देते हैं तो सबसे सब पहले डायग्राम ठीक है तो इनिशियली कहां पे इनिशियली जो फर्स्ट पार्टिकल है वो प्लस ए एवा टू पर है सो यहां पे मान लेते हैं ये फर्स्ट पार्टिकल प्लस ए वाई टू पर ठीक है और जो सेकेंड पार्टिकल है वो एक्यूड्रियम पर है लेकिन नेगेटिव एक्सट्रीम पर जा रहा है मतलब यहां पे है तो टी बराबर जीरो पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है अगर ये हम निकालना चाहते हैं तो हमें एंगल निकालना पड़ेगा तो यहां से मैं कह सकता हूं कि देखो ये ए बाई टू पर है ना तो ए बाई टू और ए तो ये वाला एंगल कितना हो गया कॉस सिक्सटी वन बाई टू तो सिक्सटी डिग्री तो टोटल तो एंगल कितना हो गया टोटल एंगल हो गया वन फिफ्टी डिग्री मतलब इनिशियल एंगल इनके बीच में वन फिफ्टी डिग्री है तो हमेशा वन फिफ्टी डिग्री ही रहेगा ठीक है क्योंकि दोनों सेम ओमेगा से घूमेंगे क्योंकि टाइम पीरियड सेम है तो टू ओमेगा राइट अभी सपोज ऐसे घूम रही है आगे आगे ए ऐसे चल रहा है ये दो सेकंड पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो कब ये मिलेंगे जब एक्स सेम हो जाएगा और एंगल दोनों के बीच में एक डिग्री होना चाहिए तो देखो ऐसा कब होगा जब ये चलते 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 यहां पहुंच जाएगा और ये सेकंड पार्टिकल चलते चलते यहां पहुंच जाएगा मतलब कुछ ऐसा तो मतलब फर्स्ट पार्टिकल यहां पे है यहाँ कहीं है ना और सेकेंड पार्टिकल यहाँ पे है ऐसा तो फर्स्ट पार्टिकल देखो वहां से चलते हुए यहां पहुंच गया और सेकेंड पार्टिकल यहाँ से चलते हुए यहां पहुंच गया अभी भी दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वो रहेगा 75 फाइव डिग्री सॉरी वन फिफ्टी डिग्री तो आधा आधा एंगल हो जाएगा सेवेंटी फाइव डिग्री एंड सेवेंटी फाइव डिग्री हमें क्या निकालना है कि कोई भी किसी भी एक पार्टिकल को देख लो जैसे दो को देख लो तो दो पहले इनिशियली यहाँ था और ये चलते हुए यहां पहुंच गया तो दो ने कितना एंगल ट्रेवल किया वो निकाल लो वो ठीटा बराबर ओमेगा टी के बराबर कर दो या ये देख लो कि वन ने कितना एंगल ट्रेवल किया मतलब वन पहले यहां था यहां से चलते हुए यहां पहुंच गया तो वन ने कितना एंगल ट्रेवल किया तो वन uh, कहा था वन यहाँ था सपोज यहाँ था वन ठीक है इनिशियली टी बराबर जीरो पे वन यहां था, Suppose, यहां था और T बराबर टी पर वन यहां पहुंच चुका है तो कितना एंगल इसने ट्रेवल किया तो ये वाला एंगल सिक्सटी है ये वाला एंगल नाइन्टी है और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा नाइन्टी माइनस सेवेंटी फाइव यानी कि पंद्रह डिग्री तो टोटल कितना एंगल हो गया थीटा? नाइन्टी प्लस सिक्सटी प्लस फिफ्टी डिग्री वन सिक्सटी फाइव डिग्री राइट तो थीटा बराबर ओमेगा टी लगाएंगे थीटा हो गया 165 180. ओमेगा हो गया टू फाइव बाई टी इंटू टी तो यहां से टी बराबर आ गया इलेवन टी अपॉन ट्वेंटी फोर आंसर आ गया है समझ चलिए जल्दी से करके दिखा दीजिए इसे तो इसमें क्या है कि एक पार्टिकल है जो इनिशियली एक ही पार्टिकल इसमें जो इनिशियली बराबर जीरो पर यहाँ पे है कहां पे है रूट पर है ठीक है और ये ऐसे चलना स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में तो जब ये माइनस ए बाय टू पर पहुंचता है तो कितना समय लगेगा इसे इस पॉइंट पर पहुंचने पर तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में इसे कितना समय लगेगा ये निकालना है आपको एक ही पार्टिकल है इनिशियली यहां है और इस तरीके से चल रहा है तो यहां पहुंचेगा तो मिनिमम कितना समय लगेगा पार्टिकल को प्लस रूट थ्री ए बाई टू से माइनस ए वाई रूट टू में पहुंचने में मिनिमम कितना समय लगेगा चलो करते हैं तो फेजर से करें उसी से सबसे आसान पड़ता है कितना आसान है बस हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो पार्टिकल है वो कहां से कहां गया है तो इनिशियली यानी बराबर जीरो पर पार्टिकल कहां है पार्टिकल प्लस रूट थ्री ए बाई टू पर है लेकिन नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है मतलब इनिशियली पार्टिकल यहाँ कहीं पे है ठीक है t बराबर पर और हमें कहां पहुंचाना है फाइनली उसे माइनस की तरफ ही जा रहा है मतलब यहां कहीं तो ये टी, टी पर है पार्टिकल ठीक तो कितना एंगल ट्रेवल किया इसने टी बराबर जीरो से टी बराबर टू तक कितना एंगल ट्रेवल किया ये निकालना है बस आपको तो कितना एंगल ट्रेवल किया उसके लिए हमें कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से इस तरीके से राइट right? तो यहां पे ये लेंथ कितनी है रूट थ्री ए बाई टू मतलब ये वाली लेंथ हो गई रूट थ्री ए बाई टू और ये वाली लेंथ हो गई ए राइट right. इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया बराबर रूट थ्री बाई टू कितना होता है तो यहां पे थीटा बराबर कितना आ गया थर्टी डिग्री कॉस ठीटा टू रूट थ्री बाई टू तो थीटा कितना थर्टी डिग्री और जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो ये यह यहां पे भी ड्रॉ कर लेते हैं तो ये वाली लेंथ कितनी है यहाँ ए बाय टू और ये लेंथ ए है तो ये वाला एंगल कितना हो गया कॉस वन बाय रूट टू हो गया फोर्टी फाइव डिग्री राइट तो इसका मतलब ये पार्टिकल कितना एंगल चला पार्टिकल टी बराबर जीरो से टी बराबर टी तक कितना एंगल चला ये कैसे निकालें तो बेसिकली थीटा थीटा कौन सा एंगल है ये वाला एंगल जो पार्टिकल चला ये थीटा एंगल कितना हो जाएगा वन एट्टी माइनस फोर्टी फाइव प्लस थर्टी सही बात है तो थीटा कितना आ गया हाँ थीटा आ गया एक सौ पांच डिग्री अब समय निकाल लेंगे कितना लगा थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी से थीटा कितना है वन जीरो फाइव इंटू फाइव बाई वन एटी बराबर टू फाइव बाई टी टू टी तो यहाँ से टी निकालो कितना आ रहा है ठीक है चलिए अब जो हम क्वेश्चन कर रहे थे कि दो पार्टिकल चल रहे हैं बट अभी तक हमने सारे किए थे जिनमें एम्पलीट्यूड सेम था दोनों पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम था लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कई बार जिसमें एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहता एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है और फिर हम देखेंगे कि कितने समय के बाद वो मिलेंगे है ना एम्पलीट्यूड अलग अलग है पार्टिकल का करिए तो इसमें एम्पलीट्यूड अलग है बाकी सेम है टाइम पीरियड सेम है तो यहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है एक का एम्पलीट्यूड फाइव सेंटीमीटर है एक का एम्पलीट्यूड टेन सेंटीमीटर है है ना तो यहाँ पे आपको दो फेजर बनाने होंगे अलग अलग एम्पलीट्यूड के मतलब एक फेजर डायग्राम मेरा एक और बट इसका हमें रेडियस बड़ा करनी पड़ेगी है ना इस तरीके से है समझ अब दोनों की रेस्पेक्टिव पोजिशन टी बराबर जीरो पर तो एक तो टी बराबर जीरो पर ओरिजिन पे है, है ना ओरिजिन पे है एंड वी वॉज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम तो जो छोटी रेडियस छोटा एम्पलीट्यूड जिसका है यानी पांच सेंटीमीटर वाला यानी कि ए पार्टिकल वो तो यहां है और बी वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ है अच्छा दोनों का टाइम पीरियड तो सेम है लेकिन देखो हमने जो कंडीशन लिया उसमें टाइम पीरियड को सेम रखा है यानी कि ओमेगा तो दोनों का सेम रहेगा यानी कि जो इनिशियल एंगल है वही एंगल रहेगा अंत तक जब ये मिलने वाले मिलेंगे तब भी तो इनिशियल एंगल कितना है नाइन्टी डिग्री राइट और ये कितना है फाइव सेंटीमीटर और ये कितना है टेन सेंटीमीटर अब ये चलना स्टार्ट किए तो अभी तो उनको फेजर पे हम समझ रहे हैं फेजर पे समझ रहे हैं हमें तो फेजर पे तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमेंगे दोनों का सेम है तो दोनों दोनों एक सेम एंगुलर वेलोसिटी से से घूमेंगे इस तरीके के बीच में एंगल फिक्स रहेगा 90 डिग्री तो ये कब मिलेंगे जब इन दोनों का एक्स सेम हो जाएगा तभी तो मिलेंगे तो मतलब जब ये मिलेंगे उस वक्त की पोजिशन अगर मैं इसी डायग्राम में ड्रॉ कर दू इसी में ड्रॉ कर देते हैं अब है ना अब तो इतना एक्सपर्ट हो गए हम तो ए वाला तो चलते चलते यहां पहुंच जाएगा कुछ इस जगह पे ठीक है ये तो पार्टिकल ए हो गया और जो पार्टिकल बी है वो यहां पहुंच जाएगा ठीक है मान लेते हैं यहां पहुंच गया अभी भी दोनों के बीच में एंगल कितना है अभी भी दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री ही है ये जो टोटल एंगल है वो तो 90 ही है ये वाला ठीक लेकिन इस बार हम ये नहीं कह सकते कि जो एंगल है वो बराबर बराबर डिवाइड हुआ है बिकॉज इस बार देखो ये डिस्टेंस तो सेम है एक्स बट ये वाली डिस्टेंस कितनी है पांच तो सेंटीमीटर अलग आएगा और तो कन्फर्म तो बात है राइट तो मैं इधर का एंगल अगर मैं ठीटा मान दू अगर ये वाला एंगल मैं ठीठा बोल दू तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा नाइन्टी माइनस थीटा राइट और अगर मैं दोनों का थीटा लिखूं तो मैं लिख सकता हूं सही है क्या दोनों को मैं डिवाइड कर दू तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा बराबर एक्स अपॉन फाइव कॉस नाइनटी माइनस थीटा का मतलब हो गया साइन थीटा तो साइन थीटा बराबर हो गया एक्स अपॉन टेन डिवाइड करू तो यहां पर x को मैं सेम कर देता हूं है ना तो ऊपर वाले से तो क्या आ गया 5 cos थीटा x की वैल्यू ऊपर वाले से तो कितनी आ गई 5 cos और यहां से कितनी आ गई 10 sin थीटा 10 sin थीटा है ना तो अगर tan थीटा देखें यहां पे कितना आ गया तो tan थीटा आ गया 1/2 बताओ यहां तक समझ में आ गया तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई tan इनवर्स 1/2 बताओ आया कि नहीं आया है ना चलो इस थीटा को हम निकाल के रख लिया हमने साइड में देखते क्या काम आता है ये थीटा आ गया लेकिन हम जब टाइम निकालते हैं तो टाइम कैसे निकालते हैं भाई हम ये देखते हैं कि कोई भी पार्टिकल कितना चला तो ए जो है टी बराबर जीरो पे यहाँ था और जब ये दोनों मिले ए एंड बी मिले तो टी बराबर टी पर ए यहाँ पहुंच गया तो टी बेसिक ये जो पार्टिकल ए है वो कितना चला पार्टिकल जो ए है वो इतना चला ये हो गया थीटा किसका डिस्प्लेसमेंट ए का और अगर हम बी का देखें तो बी भी इतना ही चला भी यहां से यहां पहुंच गया तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है तो दिस्... दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी सेम 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 थी टाइम सेम में दोनों सेम एंगल ही चलेंगे राइट तो किसी का भी देख लो तो हमने ए का देख लिया वो ज्यादा अच्छे से नजर आ रहा है तो थीटा ए बराबर कितना है तो देखो ये ओवरऑल नाइनटी है तो थीटा है कितना हो गया नाइनटी माइनस थीटा बोलो होया कि नहीं होया नाइनटी माइनस थीटा तो आपका आंसर कितना आ गया टी बराबर भैया तो आप यही तो लिखोगे इज इक्वल टू ओमेगा तो टी बराबर हमारा आंसर आ गया थीटा ए डिवाइडेड बाय ओमेगा राइट अब थीटा ए कितना है 90 माइनस थीटा तो 90 डिग्री यानी कि पाई बाई टू माइनस थीटा थीटा ये रहा टेन इनवर्स बाई टू तो यहाँ पे पुट कर दो टेन इनवर्स वन बाई टू डिडेड बाई टू बाई टी ये आंसर आ गया अब हमने रैंडम एंगल लिया था थोड़ा सा मतलब इस तरीके आंसर आ गया समझ गए जो एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सेम ही तरीका है बस जो फाइनली एंगल बराबर हो जाते थे यहाँ पे एंगल बराबर नहीं हुए हैं ये वाले है ना वहां पे बराबर हो जाते थे क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम रहता था आई बात समझ में ठीक है तो इस तरीके से हम वेन दे मीट जब वो पहली बार मिलेंगे ये वाले सवाल कर सकते हैं तो एक तो ये वैरायटी बनती है कि दो पार्टिकल चल रहे हैं और दोनों पहली बार कब मिलेंगे दोनों सेम लाइन पर एस एच कर रहे हैं तो मिलेंगे तो कंफर्म है ये तो पक्की बात है पर कब मिलेंगे तो एक ये वैरायटी की हमने काफी तरह सवाल कर लिया एक वैरायटी और इसमें उसमें ये होता है कि दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी जस्ट उल्टा मतलब ये तो है कि कब मिलेंगे उसमें है कि दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितने समय के बाद होगी राइट तो इस बार आपको मैक्सिमम सेपरेशन बताना है कि पूरे मोशन में इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम सेपरेशन होगा मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी मैक्सिमम सेपरेशन कब होगी ठीक है तो मैक्सिमम सेपरेशन कब होती है हम बोल सकते हैं मैक्सिमम सेपरेशन आती है जब दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी मतलब सपोज कि अभी क्या हो रहा होगा तो इस मोमेंट पर ए पार्टिकल तेज चल रहा होगा क्योंकि इक्वरियम पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और जैसे जैसे एक्सट्रीम की तरफ बढ़ते हैं वेलोसिटी कम होती जाती है तो इस मोमेंट पर टू धीरे है पर वन तेज है तो ये वन इसको अप्रोच कर रहा होगा दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी है ना ये तेज है ये धीरे है पर ये धीरे धीरे होते हो तो यहाँ पहुँच जाएगा राइट ये भी ऐसे चल रहा है चल रहा है इसकी वेलोसिटी भी कम होती जाएगी तो एक मोमेंट ऐसा आएगा आपको समझ में आ रहा है यहां कि एक मोमेंट ऐसा आते हुए दिख रहा है कि सोचो कौन सा मोमेंट आते हुए दिख रहा है तो यहां पे तो कुछ ऐसा मोमेंट नहीं लग रहा है कि मैक्सिमम सेपरेशन का लेकिन ये पलट के वापस आ रहा होगा और ये भी इस तरीके से पलट के वापस आ रहा होगा उस मोमेंट पर देखो अपन डायग्राम से करते हैं फेजर से करते हैं सिंपल पड़ेगा तो बस इतना आपको समझना है कि मैक्सिमम सेपरेशन होगा जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी व्हेन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो हो जानी चाहिए है ना अब बनाते हैं अपन इसका फेजर इनिशियली दोनों पार्टिकल कहाँ है वन ये है रहा और टू ये रहा राइट right? दोनों ही पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं तो दोनों को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया दोनों के बीच में एंगल कितना है अभी इनिशियली दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालें तो ये वाला एंगल निकाल लेते हैं अपन है ना ये वाला तो यहाँ पे जो सेकेंड पार्टिकल है वो कितनी दूरी पर है रूट थ्री ए बाई टू पर है ये रूट थ्री बाई टू गया ये ए हो गया तो थीटा कितना हो गया रूट थ्री बाई टू तो ये वाला एंगल आ गया थर्टी डिग्री तो ये वाला आ गया सिक्सटी डिग्री ठीक है तो इतना एंगल है राइट right? अब दोनों का एंगुलर वेलोसिटी तो सेम ही है क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है क्योंकि टाइम पीरियड सेम है तो दोनों के बीच का जो एंगल है 60 डिग्री ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है ये तो आपको पता ही है दोनों का एंगल तो सेम रहने वाला है अब जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी सेम का मतलब डायरेक्शन भी सेम हो जानी चाहिए वेलॉसिटी की तो जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी उस मोमेंट पर ध्यान रखना वी सेपरेशन जीरो का मतलब है वी वन बराबर वी टू. वेलोसिटी सेम हो जाएगी तभी तो उनके सेपरेशन की वेलोसिटी जीरो आएगी तो वो मोमेंट कब आएगा जब देखो तो देखो पार्टिकल टू चलता जा रहा है वन भी चलता जा रहा है तो एक स्थिति जब दोनों सेम पोजिशन पे होंगे तब वेलॉसिटी सेम आएगी मतलब जब वन यहां पे होगा और टू यहां पे होगा तो उस केस में जो इसकी परछाई की बात करें तो ये वन की परछाई तो आगे जा रही है और टू की परछाई पीछे आ रही है तो यहाँ पे इनकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड तो बाईज सेम होगी बट इनका वेक्टर अलग अलग होगा मैग्नीट्यूड बाइज सेम क्योंकि क्योंकि सेम एक्स पर सेम वेलोसिटी होगी ना मतलब स्पीड तो सेम होगी लेकिन उनका डायरेक्शन अलग अलग है तो यहाँ पे सेपरेशन वी सेपरेशन जीरो नहीं है सेपरेशन जीरो कब होगा जब दोनों की वेलासिटी वेलोसिटी सेम हो जाएगी ना तब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो होगा अरे ये बात समझ में आई क्या करा मैंने मतलब मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कब होगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी स्पीड नहीं वेलोसिटी सेम होगी तो वन भी आगे चल रहा है टू भी आगे चल रहा है तो एक सिचुएशन जब दोनों की स्पीड सेम आएगी इस वक्त स्पीड सेम आएगी पर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग-अलग है तो हम कह सकते हैं स्पीड सेम नहीं है तो और आगे चले तो टू चलते चलते यहां पहुंच गया और वन चलते चलते यहां पहुंच गया है ना तो यहाँ पे हम दोनों की परछाई देख रहे हैं दोनों की शेडो देख रहे हैं सपोज ये और ऐसा ये तो है वन पार्टिकल और ये टू पार्टिकल दोनों के बीच का एंगल तो मुझे पता ही है सिक्सटी डिग्री ही रहेगा ठीक है लेकिन आप वेलोसिटी की चर्चा कर ले क्या वेलोसिटी यहाँ पे सेम रहेगी तो देख लेते हैं तो देखो ये दोनों की परछाई है तो परछाई की वेलोसिटी यहाँ पे पीछे की तरफ है पीछे की तरफ है ठीक है डायरेक्शन तो चलो सेम हो गई क्योंकि यहाँ पे भी ये इस तरफ जाएगा ये इस तरफ जाएगा तो दोनों ही नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहे होंगे तो ये डायरेक्शन तो सेम हो गई पर क्या मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो हाँ मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बिकॉज ये एक्स सेम है मतलब ओरिजिन से ये जो दूरी है ये एक्स और ये भी एक्स है तो हम फॉर्मूला जानते हैं वेलोसिटी का अगर आपको याद हो तो वी बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो अगर एक्स सेम है तो स्पीड सेम आएगी और डायरेक्शन तो सेम दिखी रही है तो मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे इन दोनों के बीच में सेपरेशन मैक्सिमम रहेगा सेपरेशन यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा ठीक है तो ये वाला एंगल कितना हो गया थर्टी डिग्री और ये वाला एंगल भी थर्टी डिग्री पर हमें क्या निकालना है हमें तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम सेपरेशन पूछा ना हमसे कि फाइंड द मैक्सिमम सेपरेशन मैक्सिमम डिस्टेंस तो आंसर कितना है टू एक्स मैक्सिमम सेपरेशन का आंसर कितना है टू एक्स आंसर है अब टू एक्स कैसे निकालना है वो तो बहुत बड़ा ही आसान है टू एक्स निकालने के लिए तो एंगल पता ही है हमें एंगलों की मदद से हम निकाल सकते हैं है ना तो जैसे ये थर्टी टोटल सिक्सटी हो गया ये टोटल सिक्सटी हो गया तो आधा आधा थर्टी थर्टी बराबर क्यों होगा इसमें क्योंकि ये एक्स है ये ए है तो एंगल सेम होंगे ये वाले है ना तो ये थर्टी तो ये वाला हो गया सिक्सटी ठीक है तो एक्स कितना निकल के आया बताओ भाई यहां पे ये एक्स डिवाइडेड बाय ए बराबर कॉस सिक्सटी कर देंगे हम है ना तो एक्स बराबर कितना निकल के आएगा ए वाई टू निकल के आएगा करके दिखाऊं अरे कॉस सिक्सटी बराबर एक्स अपॉन ए लिखोगे ना तो एक्स बराबर ए वाई टू आया तो आंसर कितना हो गया टू वाई आंसर हो गया और समय भी निकाल सकते हो मैग्जिम सेपरेशन कितना आ गया सॉरी टू एनी ए टू एक्स करना है ना एक्स की वैल्यू ए मैक्सिमम सेपरेशन ए आ गया ठीक और टाइम भी निकाल सकते हैं कि कितने समय के बाद मतलब स्टार्टिंग से कितने समय के बाद इनमें मैक्सिमम सेपरेशन आया होगा तो जैसा कि आपको सिखाया कि, कि किसी का भी आप एंगल कवर कर कितना एंगल कवर किया वो निकाल लो चाहे वन का चाहे टू का तो वन का निकाल लेते हैं कि वन पहले कहा था वन पहले यहां था कितना एंगल चलाइए यहाँ से यहां तक कितना एंगल हो गया नाइन्टी डिग्री तो ये यह एंगल यहाँ तक नाइन्टी डिग्री हो गया उसके बाद सिक्सटी और चला तो मतलब ये वाला एंगल 60 है ना तो टोटल कितना एंगल चला 150 डिग्री राइट तो हम लिख सकते हैं फाइव पाई सिक्स बराबर टू पाई बाय टी इंटू टी यहाँ से टी बराबर कितना आ गया फाइव टी अपन ट्वेल्व देखो आया समझ मैक्सिमम सेपरेशन वाले सवाल भी आए करने आपको बताओ हो गया क्लियर आपको अच्छे से ये तो ये है पूरी एसएचएम की काइनामेटिक्स काइनामेटिक्स मतलब यही सब चीज़ की कितने समय में कहाँ पहुँचा कब ये मैक्सिमम सेपरेशन हुआ कब मिनिमम सेपरेशन हुआ कब ये मिले कितनी देर बाद मिले है ना इसकी वेलोसिटी कितनी होगी इस तरह के क्वेश्चंस तो इनको फेजर से हम कितने आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं ठीक किसी को डाउट यहां तक कोई भी तो इसको आप अच्छे से पढ़ना ठीक है अब आगे चलते हैं अब आता है एनर्जी ऑफ एसएचएम एसएचएम में एनर्जी किस तरीके से वेरी करती है तो अब टॉपिक है एनर्जी ऑफ एस एच एम एस एच एम में कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व रहती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व रहती है और किस तरीके से वो वैरी करती हैं टाइम के साथ भी और एक्स के साथ भी सब चीज देखेंगे तो एस एच एम में बेसिकली दो तरह की एनर्जी इन्वॉल्व रहती है एक तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मुला हम सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर मास ऑफ हाफ एम तो अब यहाँ पे का एक तो एक्स, तो एक्स, एक्स में इक्वेशन फाइन कर लेते हैं तो कायनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एक्स करने के लिए क्या करें हाफ मास बेलॉसिटी की इक्वेशन एक्स में क्या होती है अभी भी मैंने बताई थी ना यहाँ पे देखो ये वेलोसिटी की इक्वेशन एक्स में क्या है बराबर ओमेगा में। ये आपको याद होनी चाहिए राइट तो स्क्वायर करके लिख दूं सीधा स्क्वायर करके लिखूंगा तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर 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 माइनस राइट आप इसको सॉल्व करो अच्छा यहाँ पे ओमेगा हम जानते हैं ओमेगा कितना होता है ओमेगा होता है अंडर रूट के अपॉन एम इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर के अपॉन एम तो एम स्क्वायर बराबर के लिख सकते हैं अपन एम ओमेगा स्क्वायर बराबर तो यहाँ पे देखो ये रहा एम दिख रहा ओमेगा स्क्वायर है इसकी जगह क्या लिख दे के लिख दे? तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर सॉरी हाफ के ए माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर ये बन गई काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्स क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है किसका डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का कहा से डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन इक्म पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट है राइट right? अब इसमें बताओ मीन पोजिशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी की अगर मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहा होती है मीन पोजीशन पर हम सभी जानते हैं तो एक्स की एक्स को हम जीरो पुट कर देंगे तो जब एक्स को जीरो पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी आएगी हाफ के ए स्क्वायर तो ये काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू हो गई मीन पोजिशन पे है ना और इसी के साथ ही मिनिमम की बात कर लेते हैं मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इसमें निकालने की क्या जरूरत है तो जीरो ही आएगी बिकॉज तो काइनेटिक एनर्जी बता देता काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहा आएगी जब एक्स की वैल्यू या तो प्लस ए होगी या माइनस ए होगी राइट क्योंकि एक्सट्रीम पर ये तो है मीन पोजिशन, और ये हो गई एक्सट्रीम पोजिशन तो जब आप एक्स की वैल्यू को आप या तो प्लस ए रखोगे या माइनस ए रखोगे तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी की जो मिनिमम वैल्यू है एस एच एम में वो कितनी आएगी जीरो आएगी कि नहीं आएगी बताओ भाई x को आप या तो प्लस ही रखो या माइनस ही रखो तो हाफ के स्क्वायर ही बनेगा हाफ के स्क्वायर से हाफ स्क्वायर कट जाएगा तो जीरो आ जाएगी यस yes. तो ये आपको याद रखना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ऐसे में हाफ के, हाँ के ए स्क्वायर हाफ के ए स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी जीरो कहाँ पे एक्सट्रीम पर जब वेलोसिटी जीरो होती है वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एक्स के साथ ग्राफ बना लेते हैं अब तो काइनेटिक एनर्जी का एक्स के साथ हमने ग्राफ बनाया तो इक्वेशन तो ये रही है ना तो ग्राफ भी बना देते हैं कि x बराबर जीरो पर ये x है तो x बराबर जीरो पर यानी कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम और किसके बराबर होगी हाफ के स्क्वायर के और x बराबर माइनस a एंड x बराबर प्लस a प्लस a पर एंड माइनस a पर ये जीरो के बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी है ना तो ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा Right? राइट अरे समझ ग्राफ कुछ इस तरीके से लेगा और यहां पे वैल्यू हो जाएगी एनर्जी की हाफ के ए स्क्वायर ये बन गया तो ये कहानी है काइनेटिक एनर्जी के बारे में एक्स के रिस्पेक्ट में समझ गए ठीक है चलिए तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू पोजिशन आपको काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है सो ये क्वेश्चन है पोजिशन के साथ एवरेज निकालना है जनरली हम टाइम के साथ निकालते हैं ना तो पोजिशन के साथ कैसे निकालते हैं तो एवरेज निकालना मैं आपको सिखाता हूँ ये जगह जगह काम को आपको काम में आएगा जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एक फंक्शन है तो किसी भी फंक्शन का एवरेज फाइंड करना होता है हमें जिसके भी रेस्पेक्ट में फाइंड करना होता है तो ये फॉर्मूला रहता है किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालने का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ जो भी कैंटिक एनर्जी का फंक्शन है और जिसके रिस्पेक्ट में हम कैंटिक एनर्जी एवरेज निकालना चाहते हैं किसके रेस्पेक्ट में एवरेज निकालना चाहते हैं या एक्स के रिस्पेक्ट में तो यहाँ इस तरीके से तो इंटीग्रेशन ऑफ कैंटिक एनर्जी डीएक्स

इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स फ्रॉम जीरो टू ए इस तरीके से कर देंगे राइट इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये निकल के आएगा आपका लेना बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है मेरे को पता है आप कर लोगे हो जाएगा ना कि कर दू इंटीग्रेशन बोलो ये आ जाएगा ये इंटीग्रेशन सोल्व कर लोगे कि करूं कर लेंगे ना बहुत छोटा इंटीग्रेशन है ये ना हाफ के तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा ठीक ए स्क्वायर का हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री इसमें लिमिट डालेंगे सॉल्व करना right. okay. तो हो गया बातें अब टाइम के फंक्शन के रूप में सारी बातें कर बाते लेते हैं okay. तो काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ टाइम हमें लिखनी है तो कैसे लिखें बताओ तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो वही है हाफ एम वी स्क्वायर पर वेलोसिटी या जो फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता है लिख सकते हैं ना लिखिए है हमने बहुत बार वेलोसिटी वेलॉसिटी फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी है ना स्क्वायर करके इसमें पुट कर दे तो कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा यही आएगा तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ पे वापस से जो एम ओमेगा स्क्वायर है इसकी जगह हम के लिख सकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ये बन गया फंक्शन काइनेटिक एनर्जी का अब यहां पे भी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो बताओ कैसे निकालें अब देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालते हैं बताइए तो कॉस स्क्वायर का फंक्शन है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर का फंक्शन है तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी जो इसके आगे लिखी हुई है यही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी अरे बोलो हो जाएगी क्या कॉस स्क्वायर जो फंक्शन होता है कॉस स्क्वायर एक्स इसकी वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल है जीरो से लेके वन तक है ना स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है वन अब आगे मल्टीप्लाई ये हो रहा है तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे मल्टीप्लाई वन था तो वन हो गई अरे समझ गए ना इतना तो आपने पढ़ लिया होगा अब राइट कहां पे आएगी ये मेन पोजिशन पे ये तो हमें पता ही है और काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो ये भी हमें पता है कब आएगी एक्सट्रीम पर निकाल चुके हैं है हमें ऑलरेडी चलिए अब इसमें भी ग्राफ बना लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ तो किसका ग्राफ बनेगा काइनेटिक एनर्जी का जो हम टाइम के साथ ग्राफ बनाएंगे तो ये चीज तो कांस्टेंट है है ना ये तो आगे है मतलब तो बेसिकली ग्राफ बनेगा कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर का कॉस का ग्राफ तो हम जानते हैं ऐसा ऐसा होता है बट कॉस स्क्वायर है इसका मतलब ये नेगेटिव वाला पार्ट भी ऊपर आ जाएगा है ना मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा राइट right? स्क्वायर है ना ऐसा ग्राफ बनेगा नेगेटिव नहीं हो सकता ना कोई स्क्वायर है तो कैसे हो सकता है नेगेटिव तो मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का टी के साथ टाइम के साथ ग्राफ इस तरीके से ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर इस तरीके से राइट अरे समझ में आया ओके okay. अब जरा देखो कि जो हमारा टाइम पहले वहां पे जो उसका टाइम पीरियड होता था जैसे समझना जैसे वेलोसिटी है वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है v बराबर ओमेगा कॉस ओमेगा टी या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है a साइन ओमेगा टी तो वहां पे एक टाइम पीरियड कब होता था जब पार्टिकल स्टार्ट हुआ है ना एक्सट्रीम पर पहुंचा फिर वापस आया और फिर यहां पहुंचा तो ये होता है एक टाइम पीरियड राइट लेकिन अगर हम काइनेटिक एनर्जी के टाइम पीरियड वगैरह की बात करें तो समझना देखो ध्यान से सपोज ये वो लाइन है जहां पे एस हो रहा है तो जब पार्टिकल यहां से जाएगा तब भी इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और जब पार्टिकल उधर से घूम के इधर वापस जाएगा तब भी इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी मतलब

ये पूरा मतलब एक चक्कर में दो चक्कर कंप्लीट हो जाना चाहिए लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन तो अलग है ना यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है हम एक साइकिल तब कंप्लीट मानते हैं जब एज इट इज वही सिचुएशन फिर से रिपीट हो जाती है है ना लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी जब चक्कर घूम के आएगा पार्टिकल घूम के आएगा वहां पे भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी मतलब जब पार्टिकल अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है उसमें काइनेटिक एनर्जी की दो साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी और ऐसा यहाँ से भी दिख रहा है ग्राफ से भी दिख रहा है ध्यान से देखो ध्यान से देखना यहाँ पे देखो क्या हुआ अभी पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है काइंटिक एनर्जी कम होते जा रही है कम होते जा रही है कम होते जा रही है यहां तक है ना यहां तक कांटिक एनर्जी कम हुई जीरो हो गई मतलब पार्टिकल एक्सट्रीम पर पहुंच गया फिर पार्टिकल वापस आ रहा है पार्टिकल वापस आया है तो मीन पोजिशन पर जब पहुंचा यानी कि आधा टाइम पीरियड जब पूरा हुआ तब तक देखो काइंटिक एनर्जी फिर से मैक्सिमम हो गई मतलब यहाँ पे जो है

तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई इसकी काइनेटिक एनर्जी की फिर एक और साइकिल कंप्लीट हो गई काइनेटिक एनर्जी की मतलब जब पार्टिकल ने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया तब तक काइनेटिक एनर्जी ने अपनी दो साइकिल कंप्लीट कर ली तो यहां से मैं क्या लिखूं देखो तो दो बातें मैं यहां पे लिखूंगा जो आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टू एफ यहां पे f क्या है पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी की फ्रीक्वेंसी या एक्सेलरेशन की फ्रीक्वेंसी यहां पे f है लेकिन काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई टू एफ हो गई राइट एफ यहां पे क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम ठीक है समझ में आई बात राइट तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी बार मिल रही है एक साइकिल में एक साइकिल में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी बार मिल रही है दो बार मिल रही है लिख दूं यहाँ पे याद रहेगा टू टाइम्स इन वन साइकिल ऐसा समझ गया तो कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए और अब अगर एवरेज निकालें तो एवरेज भी निकाल देते हैं इसका जैसे वहां पे डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में पोजिशन के रिस्पेक्ट में एवरेज निकाला था अब हम टाइम के रिस्पेक्ट में एवरेज निकाल देंगे इसका ठीक तो आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल फाइंड करनी है फ्रॉम जीरो टू कैपिटल टी मतलब एक साइकिल कैसे करें तो अभी सिखाया ना आपको एवरेज निकालने का तरीका वही तरीका यहाँ पे हम काम लेंगे तो मैं काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकालना है लेकिन इस बार टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है तो इस बार कैसे करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू डीटी क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है एक्सप्रेशन लिखेंगे, लिखेंगे के के रिस्पेक्ट में कितनी आई थी हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी फ्रॉम जीरो से टी जीरो से टी अब यहाँ पे देखो ये जो हाफ के स्क्वायर ये तो निकल के बाहर आ जाएगा क्योंकि तो कांस्टेंट टर्म है इंटीग्रेशन केवल किसका करना है कॉस स्क्वायर ओमेगा का और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का तो जब हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था ना तब किया था खूब किया था तो बेसिकली जो ये वैल्यू है वो आ जाएगी वन बाय फोर के ए स्क्वायर अब देखो हाफ के स्क्वायर तो पहले से ही था ये तो आना ही था मतलब हाफ के स्क्वायर के अलावा जी ये पूरा है इसका इंटीग्रेशन कितना आया इस पूरे का इंटीग्रेशन आया हाफ राइट हाँ तो इस तरीके से इसकी एवरेज वैल्यू आ गई लेकिन आगे भविष्य के लिए ये बड़ी काम की चीज है इसको याद रखो कि कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज या साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज एक साइकिल के लिए जीरो से टी जीरो से कैपिटल टी हमेशा कितना आता है हाफ आता है ठीक है याद रखना ये आगे काम आता है खैर अभी के लिए तो आप इंटीग्रेशन करना जानते हो इंटीग्रेशन करना और डिवाइड करना टी से टी कट जाएगा हाफ आ जाएगा हाफ इंटू हाफ के वन बाय फोर के स्क्वायर हो जाएगा तो एक काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी हमने एक्स के साथ और टाइम एक्स के साथ और टाइम के साथ बातें कर ली अब बातें किसकी करनी है पोटेंशियल एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी में भी ऐसे ही करना पड़ेगा पहले एक्स के साथ फिर टाइम के साथ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है देखो जो वर्क डन है वो वर्क डन होती है पोटेंशियल एनर्जी किसका वर्क डन माइनस ऑफ वर्क डन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स तो यहाँ पे फोर्स कौन सा है यहाँ पे जो फोर्स है वो है अपना एस का फोर्स एफ वेक्टर बराबर माइनस ऑफ के एक्स राइट अब यहाँ पे अगर आपको पोटेंशियल या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे वर्क डन फाइन करना पड़ेगा फोर्स का राइट right? और ये वर्क डन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये ये बेसिकली किसका फोर्स है ये स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स के, के केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है वही इंटीग्रेशन अब इंटीग्रेशन को थोड़ा ना पता है कि स्प्रिंग फोर्स है या एस फोर्स है उसे तो ऐसा फंक्शन दिखेगा जिसको इंटीग्रेट करेगा और वैल्यू डालेगा हाफ के एक्स स्क्वायर बट ध्यान रखना ये क्या है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट एक्स मतलब कोई पोजिशन है एक्स माइनस पोटेंशियल एट मीन पोजिशन राइट ये है हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्मूला याद रखना है तो थोड़ा तरीके से रखना है कि वो डेल्टा यू है और डेल्टा यू का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो तो ये तो कर लोगे ना यार स्प्रिंग में भी तो किया था तो हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा जीरो से एक्स तक राइट हाफ के एक्स स्क्वायर पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज है किस किस का चेंज है किसी पोजिशन किसी पॉइंट एक्स पर माइनस मीन पोजिशन अब मीन पोजीशन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वैसे तो 99% जीरो होती है लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया कि मीन पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है उसकी जगह पर इतना जूल है तो आपको तो वो लेनी पड़ेगी है ना ओके okay. सो so, यहां लिख देते हैं कि मीन पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी सो so, पोटेंशियल एनर्जी में और नॉट बी जीरो एट पोजिशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती मेन पोजिशन पर है ना जीरो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन ओनली ऑन क्वेश्चन लेकिन एक बात में ये जरूर कह सकते हैं अपन कि मीन पोजिशन पर एट मीन पोजिशन मीन पोजिशन का मतलब एक्स कितना हो गया जीरो तो देखो अगर एक्स बराबर में जीरो रख दूंगा राइट समझ रहे हो आप तो एट मीन पोजिशन जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी राइट जैसे अगर किसी और पॉइंट की बात करेंगे तो वहां पे हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू मीन लिखना पड़ेगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मुला क्या आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू मीन मतलब मीन पोजिशन की पोटेंशियल एनर्जी राइट पर मीन पोजिशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो हो कि ना हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है मतलब okay. आपसे अगर पूछा जाए कि आपको अगर दे दिया जाए कि इस एस की जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो इतनी है इसका मतलब वो ही मेन पोजिशन की पोटेंशियल एनर्जी है है ना तो एट मीन पोजिशन पीई पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। कोई बोले क्या जीरो होना कंपलसरी है ये नहीं जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है जीरो होना कंपलसरी नहीं है लेकिन क्या काइनेटिक एनर्जी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी हाँ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी लेकिन क्या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो होगी नहीं कोई जरूरी नहीं है आ रही बात समझ में अच्छा इफ हम मान लेते हैं ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं इफ पोटेंशियल एनर्जी एट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट Zero at main है ना मतलब मेन मेन पोजीशन को हमने रेफरेंस काउंट कर लिया ठीक है चलो तो क्या हो जाएगा बताओ यू एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यू एक्स बराबर हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट एक्स कितना हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर यही तो है यहां पे म्यू मीन को जीरो कर दिया जरूरी नहीं है जीरो लेकिन अगर जीरो कर लिया तो ये आ जाएगा फॉर्मूला कि नहीं आएगा बताओ आ जाएगा ना तो इस केस में, इस केस में में इस बताओ जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो कहां पे आएगी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पे आएगी एक्सट्रीम पर आएगी भाई मिनिमम तो कहां पे आ रही है मीन पोजिशन पर आ रही है कितनी आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ के ठीक है और U मिनिमम वो जीरो हो जाएगी लेकिन ये कब कब के लिए कह रहा हूं जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है मीन पोजिशन पे तब की बातें कर रहा हूं मैं अदरवाइज अदरवाइज तो ये फॉर्मूला रहेगा है ना कंफ्यूज मत हो जाना और गलती मत कर देना ठीक क्या ये बात आपको समझ में आई इसलिए दो चीज दोनों चीजें सेपरेट कर दी मैंने कि एक्चुअल में तो ये होता है लेकिन उसके लिए ये चीजें होती हैं लेकिन यदि देखो इफ लगा के बोल रहा हूं मैं अगर जीरो मान लू तो ऐसा हो जाएगा राइट अब कई लोग इसी को याद रख लेते हैं कि हमेशा ऐसा होता है नहीं हमेशा ऐसा नहीं होता है हमेशा तो ऐसा होता है पर अगर कंडीशन दे दिया ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा फिर ओके चलो इसमें भी एवरेज वैल्यू फाइन कर लेते हैं एवरेज पोटेंशियल एनर्जी फाइन करनी है तो कैसे करें? तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो जीरो से ए बोला है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में फाइन करना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ पीई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी। अब तो सीख गए होंगे बराबर

ठीक है भाई इसके ग्राफ बना लें इसके ग्राफ बना लेते हैं ठीक है ये ग्राफ बना रहे हैं हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के साथ ग्राफ ठीक है लेकिन ये कब मानते हुए जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो है मिनिमम या फिर इसको बोल सकते हैं मीन पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तब तो अगर मेन पोजिशन की पोटेंशियल एनर्जी को आप जीरो मानते हुए ग्राफ बनाते हो तो देखो एक्सर जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी जीरो मैक्म कब आएगी प्लस ए पर और मैक्म एक्सर माइनस ए पर भी तो मैक्सिमम होगी क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर है एक्स की जगह प्लस ए भी डाल सकते हो माइनस ऐ भी डाल सकते हो राइट तो इस तरीके से तो मैक्सिमम मान लेते हैं यहाँ पे आ रही है मैक्सिमम ऐसा ठीक है ग्राफ समझ में आया तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है स्क्वायर अरे आई बात समझ में ये कब का ग्राफ बनाया हमने जब हम ये कह रहे हैं कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो है मतलब मीन पोजीशन पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है लेकिन अगर हम मीन पोजिशन पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ना माने कुछ मान ले कि भाई कुछ तो है जीरो तो नहीं है तो ग्राफ ग्राफ कैसा होगा तो यहाँ पे हम ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी यहां ले रहे हैं हम एक्स यू मिनिमम बराबर यू मीन पोजिशन है ना है वो कुछ जीरो नहीं है इस बार तो बताइए क्या एक्स बराबर जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ऐसा होगा ग्राफ नहीं ऐसा नहीं होगा ग्राफ तो ऐसा ही होगा लेकिन वो ग्राफ थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठ जाएगा आ रही बात समझ में थोड़ा सा ही ऊपर उठ गया ग्राफ दिख रहा है आपको क्यों उठा ऊपर दिख रहा है माइनस ए प्लस ए ग्राफ ऊपर उठ क्यों उठा दिखा समझ में आया मतलब यहाँ पे इस बार जो वैल्यू होगी ये जो वैल्यू होगी वो कितनी है यू मीन पोजिशन के बराबर राइट right? जीरो नहीं है वो यू मीन पोजिशन के बराबर है जो भी मीन पोजिशन की पोटेंशियल एनर्जी होगी और ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ये भी कितनी हो जाएगी ये जो मीन पोजिशन की वैल्यू आ रही है सॉरी मीन पोजिशन की नहीं जो ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है पोटेंशियल एनर्जी की ये कितनी हो जाएगी इस बार ये हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मीन पोजिशन अंतर समझ में आ गया दोनों ग्राफों में और दोनों ग्राफ कैसे बने समझ में आ गया बोलो अरे ग्राफ समझ में आ गया आगे चलें चलिए अब ये हो गया x के रिस्पेक्ट में फंक्शन आप चलते हैं टाइम का फंक्शन निकालने पोटेंशियल एनर्जी एज ए पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो यहां u माइनस तो यू, यू नॉट यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना है हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं बस यहां पे जो x है उसको एक्स नहीं रहने देना है हमको उसको टाइम के टर्म में रिप्लेस कर देना है तो एक्स को टाइम के टर्म में हम जानते हैं क्या होता है ए साइन ओमेगा टी तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी तो ये क्या बन गया यू माइनस यू नॉट अच्छा यू नॉट का मतलब क्या है मैं ऐसे लिख देता हूँ यू नॉट है बेसिकली मेन पोजिशन की पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ के ए स्क्वायर बस आ गया है सिंपल है ना और अगर इफ पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजिशन इज इक्वल टू जीरो तो क्या बन जाएगी क्वेश्चन हा यू बराबर हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आया समझ बस इतना सही है अब इसका ग्राफ बना देते हैं समय के साथ तो इसका जब समय के साथ ग्राफ बनाएंगे तो यहां पे भी हम देख रहे हैं क्या देख रहे हैं कि स्क्वायर आ रहा है मतलब जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनेगा थोड़ा अच्छा नहीं बना है ना इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है हाफ के ए स्क्वायर राइट और अगर यहां पे आप गौर से देखो तो यहां पे भी एक साइकिल इसका आधे टाइम पीरियड में कंप्लीट हो गया और एक टाइम पीरियड में तो इसका इसके दो साइकिल कंप्लीट हो गए तो यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहां पे भी टू एफ के बराबर है और एफ का मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम उसका कारण भी सेम ही है कि जब पार्टिकल जैसे पार्टिकल का तो एक साइकिल कम कम्प कंप्लीट होगा जब ये घूम के वापस आएगा लेकिन एक साइकिल में तो दो बार एक्सट्रीम पर हो गया ना पार्टिकल एक बार नेगेटिव एक्सट्रीम पर मतलब एक चक्कर में दो बार इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई राइट अब तो आ गई होगी बात समझ में और यहां पे अगर हम एवरेज निकाल दें फटाक से कि एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एक साइकिल में तो आ जाएगी वन बाय फोर के ए स्क्वायर कैसे आई वही सेम तरीका इंटीग्रेट किया है ना पहले लिखा फिर इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे साइन स्क्वायर आएगा और साइन स्क्वायर का एवरेज भी एक साइकिल में कितना आता है हाफ जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं देखो यहाँ पे कहाँ गया यहाँ पे साइन स्क्वायर का भी हाफ आता है, है ना हाफ इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ के मिलकर वन बाय फोर के स्क्वायर बन जाएगा ठीक है तो ये सारी एनर्जी से रिलेटेड बातें आपको याद रखनी पड़ेगी अभी क्वेश्चन करते हैं इसके ठीक ओके ओके तो ये दोनों एनर्जी हो गई काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ एक्स अब बात करेंगे हम टोटल एनर्जी की टोटल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स राइट चलिए टोटल एनर्जी सो टोटल एनर्जी विद एक्स टोटल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या फंक्शन आया था हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी का क्या आया था एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के साथ आया था हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मीन पोजिशन तो अगर हम टोटल कर दें इसे टोटल टोटल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो टोटल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो आप जोड़ के देखो कितना आ रहा है जोड़ो तो इनको जोड़ोगे तो ये हाफ माइनस में एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स कट ही जाएगा ये तो ये बचेगा हाफ के ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मीन एनर्जीशन और मीन पोजिशन की एनर्जी तो जीरो भी हो सकती है या जो जो भी होगी constant होगी अरे ये देखने पे क्या पता लग रहा है कि टोटल एनर्जी का फंक्शन तो एक्स के टर्म में आया ही नहीं भाई तो जो टोटल एनर्जी का फंक्शन है वो तो एक्स के टर्म में आया ही नहीं क्यों नहीं आया क्योंकि टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट होती है एस एच एम की एस एच एम की टोटल एनर्जी क्या होती है अरे क्या होती है कॉन्स्टेंट वो ना तो डिस्टेंस पे वैरी करती है और ना ही टाइम पर वेरी करती है चलो टाइम वाला भी देख लेते हैं कि time पे वेरी करती है नहीं करती तो with time, ठीक है तो kinetic energy time कितना आया था स्क्वायर ओमेगा अरे इतना ही आया था और अगर पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मेन पोजिशन दोनों को सम करो तो टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आप दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा भाई देखो जब दोनों को जोड़ोगे तो हाफ के ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जो कि वन हो जाएगा आइडेंटिटी हम जानते हैं तो टोटल एनर्जी कितनी आई हाफ के ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजिशन तो टोटल एनर्जी का जो फंक्शन है वो तो समय पर भी निर्भर नहीं करता है वो हर समय नियत ही रहने वाला है तो ऐसे टाइम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है समझ तो में आया टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट सो यहां लिख देता हूं टोटल एनर्जी ऑफ एस एच एम इज कॉन्स्टेंट किसी भी समय और किसी भी एक्स के लिए ये कॉन्स्टेंट रहती है तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा इसका ग्राफ तो बड़ा ही सबसे आसान ग्राफ बनेंगे इसके टोटल एनर्जी के है ना समय के साथ भी और मतलब टाइम के साथ भी और एक्स के साथ भी देखो टोटल एनर्जी का एक्स के साथ ग्राफ और टोटल एनर्जी का समय के साथ ग्राफ कैसा बनेगा ग्राफ कांस्टेंट की ग्राफ बन गया देखो है ना मजेदार ग्राफ ठीक है अच्छा चलो एक छोटा सा सवाल इसमें ऐसे लेता हूँ कि वो पॉइंट बताओ फाइंड द पोजिशन वेयर काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज सेम वो पॉइंट बताओ जहां पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाए छोटा सा ऐसी मुझे वानी क्वेश्चन पोजिशन वेयर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी और मेन पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेके जीरो मानते हुए बताओ ऐसे स्टार लगा के एक पॉइंट तो क्या करें काइनेटिक एनर्जी पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी लिख दें लिख दें मीन पोजीशन तो हो ही नहीं सकती ना मेन पर तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स क्या आया था हाफ ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल जो मीन पोजिशन जो कि मैंने ऑलरेडी जीरो बोल दिया ठीक है ये इधर आके हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर कैसे के गया तो एक्स बराबर आ गया प्लस माइनस ए बाय टू एक्स बराबर प्लस माइनस ए वाई रूट टू पोजिशन पर काइनेटिक एनर्जी है। है अरे देखो तीनों के कंबाइंड ग्राफ बनाऊं, जैसे ये तो हो गया टोटल एनर्जी का ग्राफ अगर मेरे को इसी में पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ढूंढना होता पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाना होता तो ग्राफ ऐसे नहीं बन जाता अरे पोटेंशियल का ग्राफ नहीं बन गया कि मेन पोजिशन पे तो जीरो भाई ऐसा मान के चल रहे हैं कि मेन पोजिशन पर जीरो घटता हुआ आया जीरो हुआ फिर बढ़ता हुआ गया और इसी में अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाना होता तो ऐसे नहीं बन जाता ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बन गया राइट समझ में आया तो वो पॉइंट जहां पे दोनों सेम आए वो पॉइंट जो जहां पे दोनों सेम आए वो ये रहा जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सेम आए हैं प्लस ए बाई रूट टू माइनस ए बाई रूट टू तो ये वाला ग्राफ हो गया पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला ग्राफ हो गया काइनेटिक एनर्जी का और ये वाला ग्राफ हो गया टोटल बताइए आया समझ अच्छा ऐसी दोनों का कंबाइंड ग्राफ आप टाइम के ग्राफ में ही बना सकते हो जैसे आप चाहो तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसे बनेगा साइन स्क्वायर आता ना उसमें पोटेंशियल एनर्जी में तो साइन का ग्राफ कैसे बनता है ऐसे स्क्वायर का ग्राफ किसका ग्राफ बन गया पोटेंशियल एनर्जी का राइट और आपको बनाना है काइनेटिक एनर्जी का इस तरीके से इस तरीके से तो यहां पे देखो एक पॉइंट आ रहा है जहां पे दोनों की दोनों सेम आए काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सेम आए ये टाइम कौन सा हो है? तो ये टाइम आता है टी एट कैसे निकाला इस पोजीशन में पहुंचने के लिए समय निकाल दिया कि कोई पार्टिकल अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट होकर इस पोजीशन तक पहुंचना चाहता है तो कितने समय में पहुंचेगा टी वाई एट टाइम में पहुंचेगा ठीक है इस तरीके से ओके ऐसी एक पॉइंट और इफ मेन की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के अपन ये पॉइंट लिखना है अगर मेन पोजिशन की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है है ना तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाती है हाफ के ए स्क्वायर यही आती है अच्छा हाफ के स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं के को मैंने लिखना सिखाया था ना आपको एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर तो मतलब टोटल एनर्जी किस किस पर डिपेंड कर रही है टोटल एनर्जी किस किस पर डिपेंड कर रही है तो डिपेंड्स ऑन मास ऑफ पार्टिकल एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम और तीसरा एम्प्लीट्यूड ऑफ एस एच एम राइट आई बात समझ में ओके okay. चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन एक ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दी हुई है और टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू दी हुई है ऐसे क्वेश्चन हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है ये कि स्टेट वेदर द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक और नॉट कि अगर किसी की पोटेंशियल एनर्जी ऐसी है तो क्या हम कह सकते हैं कि वो सिंपल हारमोनिक मोशन है या नहीं है कैसे बोलेगी सिंपल हारमोनिक मोशन ही है बस पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है हमें तो तो, तो आपको ये स्टेट मतलब ऐसा प्रूफ करना है कैसे प्रूफ करोगे फोर्स की फोर्स की इक्वेशन निकाल के फोर्स कैसे निकलेगा फोर्स बराबर होता है माइनस वैल्यू अपॉन डेलेक्स है ना फिर मीन पोजिशन फाइंड करना और फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर्टिकल की मैक्सिमम एनर्जी भी फाइंड करना ठीक है ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे राइट right. चलिए तो अभी के लिए बस इतना ही नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करते हैं